नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे की सफाई कर रहे थे। इसी बीच वो ट्रैक्टर और जेसीबी से कूड़ा उठाते देखे गए। दीघा आशियाना रोड पर पुलिस ने उनसे ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की। उन्होंने जिस लाइसेंस को पुलिस के सामने पेश किया वो दिल्ली से बना था और 2017 में ही एक्सपायर हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उनका 5,000 रुपए का चालान काट दिया। दिल्ली कैबिनेट ने ऑड इवन योजना के दौरान अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग ने डीटीसी को 2000 अतिरिक्त सीएनजी बसें किराए पर लेने को कहा है। दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन योजना लागू रहेगी। इस दौरान लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने इंतजाम करना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी खास अवधि में कब और क्या गलत हुआ इसे याद करना बेहद जरूरी है। बता दें, निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी सिंह के उस आरोप के जवाब में की जिसमें उन्होंने कहा था कि राजग सरकार हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनक सर सैयद के 202वें जन्मदिन को एथलेटिक ग्राउंड में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिका के जाने माने उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान फ्रैंक इस्लाम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो वहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को भी सम्मान से नवाजा गया। ललितपुर में न्यायालय के नोटिस के बाद जब बीजेपी सदर विधायक रामरत्न कुशवाहा न्यायालय में हाजिर हुए तो उन्हें न्यायाधीश ने अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया। मगर थोड़ी ही देर बाद उनके वकील ने 25,000 के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूरी करा ली और उन्हें छुड़ा दिया गया है। मामले में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि 2017 में एक रैली शहर में निकाली थी, लेकिन सपा शासनकाल में हुए चुनावों के दौरान द्वेष भावनाओं की मानसिकता रखते हुए उन पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया गया था। मथुरा में शराब माफिया और मादक पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका, जिसमें सवार 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 800 लीटर अवैध रूप से स्प्रिट बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मथुरा में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बहन के साथ रहती थी और आज जब उसकी छोटी बहन घर आई तो उसने घर को अंदर से बंद पाया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर फांसी से लटका हुआ युवती का शव देखा, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मथुरा में 2 पक्षों के झगड़े के दौरान घायल हुए होमगार्ड के मामले में पुलिस ने गांव के कई लोगों को नामजद किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा था और इसी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई, जिसमें से होमगार्ड का पैर फिसल गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने द्वेष की भावना से कार्रवाई करते हुए हम लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मथुरा थाना वृंदावन पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने पिता की हत्या के बाद फरार घूम रहा था। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। वृंदावन के अंदर ये 14 तारीख को मोती सिंह, जो कि गांव बाटी के रहने वाले हैं, उसके संबंध में एक सूचना आई थी सुबह सुबह कि आनंद फानंद में इनकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। तुरंत से जो थाना पुलिस है वो मौके पे पहुंची, तब तक उनकी डेड बॉडी को पूरा जला दिया गया था, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। इसी संबंध में जब जानकारी मिली तो ये बात सामने आई कि जो मोती सिंह है उनकी उनके छोटा लड़का जो कि रामेश्वर है उससे सुबह ही कुछ विवाद हुआ था, और वो विवाद उनका जो निजी कृषि फार्म और डेयरी का धंधा है उसके बंटवारे को लेकर हुआ था। सीएम योगी के सहारनपुर दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज सीएम योगी उपचुनाव को लेकर गंगोह विधानसभा सीट के लिए बीजेपी का प्रचार करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी जनसभा करेंगे।